एवरीवन, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल फैमिली। आज हम करने जा रहे हैं हमारी नेल आर्ट की नेक्स्ट क्लास, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा नेल एक्सटेंशंस के बारे में कि हमारे 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले नेल प्रिपेयर करना, नेल बिल्डिंग करना और नेल आर्ट करना। नेल प्रिपरेशन के बारे में हम काफ़ी कुछ डिटेल में पढ़ भी चुके हैं और हमने इसका प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छे से किया है। आशा करती हूँ कि आपको नेल प्रिपरेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं नेल बिल्डिंग के बारे में। नेल बिल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो आपकी नेल की लाइफ को बढ़ा सकता है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं हमारे नेल बिल्डिंग की फुल थ्योरी के बारे में। आपको इस पूरी थ्योरी को नोट डाउन करना है ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले नेल बिल्डिंग के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि हमारे कितने टाइप्स की नेल सिस्टम होते हैं। आप प्लीज साथ साथ मेरे नोट डाउन करें, टाइप्स ऑफ नेल सिस्टम। ये जो आपके पास लाइट आ रही है, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दिस। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है हमारे पास जेल नेल सिस्टम। जेल नेल सिस्टम। नंबर 2 सिस्टम जो बहुत चलता है वो है एक्रेलिक नेल सिस्टम, ECRYLIC नेल सिस्टम। नंबर 3 नेल सिस्टम जो होता है वो होता है हमारे पास पॉलीजेल नेल सिस्टम, पॉलीजेल नेल सिस्टम। नंबर 4 नेल सिस्टम जो हमारे पास है वो है डिपिंग नेल सिस्टम। और नंबर 5 जो आजकल बहुत ज्यादा इन है, स्पेशली लॉकडाउन में ये बहुत इन हो गया, वो है हमारे पास प्रेस ऑन या फिर फेक नेल सिस्टम। तो देखिए, नेल बिल्डिंग के हमारे पास ये वाले नेल सिस्टम्स हैं। नंबर 1 इज जेल नेल सिस्टम, 2 इज एक्रेलिक नेल सिस्टम, 3 इज पॉलीजेल नेल सिस्टम, 4 इज डिपिंग नेल सिस्टम एंड देन प्रेस ऑन और फेक नेल्स। आई होप यू हैव नोटेड डाउन ऑल दिस। नाउ हफ्ते भी हमने नेल बिल्डिंग्स देखी है, आज हम उनके प्रोडक्ट्स के बारे में डीप नॉलेज लेंगे। तो आप साथ साथ नोट बनाइए, प्रोडक्ट्स नीडेड फॉर जेल एक्सटेंशंस। हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स चाहिए हैं जब हम अपनी जेल एक्सटेंशंस को करते हैं। आज हम एक थ्योरी सेशन रखेंगे और उसमें हमारे नेल बिल्डिंग के जितने भी प्रोसेस हैं, उसके प्रोडक्ट्स की हमें क्या क्या नीड चाहिए है, उन सब के बारे में हम डीपली समझेंगे और प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम जेल एक्सटेंशंस के बारे में देखते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट जो इसमें हमें चाहिए है वो है हमारा बिल्डर जेल। देखिए, आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, बिल्डर मींस किसी चीज को बिल्ड करना, किसी चीज को बनाना। तो बिल्डर जेल, हमें जो जेल एक्सटेंशंस के लिए पहला प्रोडक्ट चाहिए है वो है हमारा बिल्डर जेल।
और बिल्डर जेल को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं. नंबर वन इज हार्ड जेल एंड नंबर सेकेंड इज सॉफ्ट जेल. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस हार्ड जेल एंड दिस सॉफ्ट जेल? सबसे पहले हार्ड से ही हमें पता लग रहा है, हार्ड जो है वो बहुत थिक होती है कंसिस्टेंसी में. आप प्लीज साथ साथ नोट्स बनाइए. दिस इज थिक इन कंसिस्टेंसी. अभी मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी भी. और सॉफ्ट जेल की जो कंसिस्टेंसी है वो फ्लोई कंसिस्टेंसी होती है. ये देखिए मेरे पास इस ब्रांड की हार्ड जेल है और मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूं. देखिए मेरे बॉक्स को उल्टा करने से भी ये जेल बाहर नहीं आ रही. तो दिस इज माय हार्ड जेल. इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक होती है और जैसे जैसे वेदर चेंज होता है विंटर्स में ये और थिक हो जाती है. एज कंपेयर टू दिस मैं आपको सॉफ्ट जेल दिखाती हूं. ये देखिए मेरे पास आईबीडी का सॉफ्ट जेल है और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी. नाउ दिस इज माय सॉफ्ट जेल. तो आपको पता लग गया हमें टू टाइप्स ऑफ जेल्स चाहिए हैं जब भी हमें अपना एक्सटेंशंस करना है. वन इज आवर हार्ड जेल एंड सेकेंड इज आवर सॉफ्ट जेल. हार्ड जेल की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होती है और सॉफ्ट जेल की कंसिस्टेंसी फ्लोई होती है जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी स्प्रेड होती है. बट अगर हम चाहते हैं कि हमारे नेल्स जल्दी ब्रेक ना हो तो हमें हार्ड जेल की एप्लीकेशन जरूर करनी चाहिए क्योंकि जो इसकी ड्यूरेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आवर सॉफ्ट जेल. सॉफ्ट जेल की ड्यूरेबिलिटी इतनी नहीं होती. अगेन जब भी आपके पास क्लाइंट आए और ये बोले कि मुझे नेल एक्सटेंशंस कराने हैं बट नॉट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम तो आपको सॉफ्ट जेल को अप्लाई करना है. लेकिन हार्ड जेल के अप्लाई करने से आपके एक्सटेंशंस बहुत आराम से 4 to 5 weeks चलते हैं और चाहे आप जो मर्जी काम करो क्योंकि लेडीज का काफी ज्यादा पानी में भी हाथ जाता है. जिप अप करना या डब्बा खोलना उससे हार्ड जेल से मेरा नेल बहुत स्टिफ हो जाता है जिसकी वजह से वो जल्दी ब्रेक नहीं होता. सॉफ्ट जेल से नेल जल्दी ब्रेक हो जाता है. नाउ द सेकेंड प्रोडक्ट विच आई नीडेड फॉर माई जेल एक्सटेंशंस आर माई जेल ब्रश. जिस ब्रश की मदद से आप अपनी हार्ड जेल या सॉफ्ट जेल या दोनों जेल्स को अपने नेल्स पे लगाओगे उस ब्रश को बोलते हैं हम जेल ब्रश. अगेन ये बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए नहीं तो इसके ब्रिसल्स बहुत जल्दी खुल जाते हैं. ये देखिए मेरे पास जो ब्रश है इसके ब्रिसल्स बहुत फाइन है और बहुत डेंस है और इस ब्रश को मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूं और उसकी ब्रिसल्स एज इट इज है. इसीलिए अच्छे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है ताकि आप बार बार अपनी मनी वेस्ट ना करें.
थर्ड प्रोडक्ट जो मुझे चाहिए है वो है मेरे पास जेल क्लीनर एंड लिंट फ्री वाइप्स। इस प्रोडक्ट से मैं आपको पहले भी इंट्रोड्यूस करा चुकी हूं। ये होता है जेल क्लीनर। बेसिकली क्या होता है, जब मैं जेल को नेल्स पे लगा के अपनी लैंप में उसको ड्राई करती हूँ तो वो नेल बिल्कुल ड्राई हो जाता है, लेकिन उसकी जो अपर लेयर होती है वो बिल्कुल चिपचिपी होती है। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, अभी आप एक बार थ्योरी समझ लें। तो उस टैकी लेयर को हटाने के लिए जो हमें क्लींजर की जरूरत होती है उसको हम बोलते हैं जेल क्लींजर। और उस क्लींजर को के लिए जो ये मेरे पास है डिस्पेंसर, उसके ऊपर जो हमें ये वाइप चाहिए है दिस वन, ये होती है लिंट फ्री वाइप्स। इस वाइप में कोई भी लिंट मेंशन नहीं होता। नाउ लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो मुझे चाहिए है दैट इज यूवी एंड एलईडी लैम्प। नंबर फिफ्थ इज माय बफर। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं हमारे ग्रिड बफर और ब्लॉक बफर के बारे में। देखिए ये है मेरे पास हमारी एलईडी लैम्प। आपको इस लैंप के अंदर अपने हाथ को डालना है, क्लाइंट के हाथ को डालना है, इसको स्विच ऑन करना है और उसके बाद आपका प्रोडक्ट इसमें ड्राई होगा। आपको मशीन लेते टाइम इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि आपके पास जो बटन्स अवेलेबल हैं ऊपर उसके ऊपर टाइमर जरूर मेंशन हो, जैसे कि 60 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स और कितने वॉट की मशीन है, इधर इट इज 24 वॉट और 48 वॉट, वो भी मेंशन होना चाहिए। क्योंकि हमें बहुत से प्रोडक्ट्स को सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए ड्राई करना है, कईयों को 5 के लिए, कईयों को 60 के लिए, तो आपके पास ये चीज मेंशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज माय एलईडी और यूवी लैम्प। ये स्टूडेंट्स, आई होप आपने अपनी नोटबुक में इसे नोट्स के जरिए नोट डाउन कर लिया होगा। तो हमें जेल एक्सटेंशंस करने के लिए जो प्रोडक्ट चाहिए है वो है हमारे बिल्डर जेल, सॉफ्ट जेल एंड हार्ड जेल, जेल ब्रश, जेल क्लींजर एंड लिंट फ्री वाइप्स, एलईडी लैम्प एंड बफर। और इन सब प्रोडक्ट्स को मैंने आपको दिखा भी दिया है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे एक्रेलिक एक्सटेंशंस में हमें क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए हैं। इसके बाद हमारे नेल बिल्डिंग का सेकंड मेथड है एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन। इस एक्सटेंशन के लिए जो आपको प्रोडक्ट्स चाहिए हैं वो है सबसे पहले एक्रेलिक पाउडर। नाउ व्हाट इज एक्रेलिक? एक्रेलिक मींस पॉलीमर। आप साथ साथ लिखते जाइए पॉलीमर। नाउ यू विल आस्क मी मैम व्हाट इज पॉलीमर? देन पॉलीमर इज अ काइंड ऑफ प्लास्टिक। पॉलीमर पाउडर एक प्लास्टिक पाउडर होता है जो हमारा एक्रेलिक होता है। जब हम पॉलीमर को बहुत अच्छे से ग्राइंड करते हैं बहुत टाइनी पार्टिकल्स उसके बन जाते हैं तो हमें एक्रेलिक, तो हम उस पाउडर को अपने नेल एक्सटेंशंस में यूज करते हैं।
अगेन आपको जो सेकेंड प्रोडक्ट चाहिए है वो है इसका मोनोमर। अब मोनोमर क्या होता है? ये होता है एक बाइंडिंग लिक्विड। इस लिक्विड की हेल्प से हम एक्रेलिक को अपने नेल पे बाइंड करते हैं। अगेन ये टू टाइप्स का होता है, वन इज हार्ड मोनोमर एंड अनदर वन इज सॉफ्ट मोनोमर। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बताना चाहती हूं कि जब भी हम एक्रेलिक एक्सटेंशंस करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा सेफ्टी मेजरमेंट्स को अपनाने की जरूरत है। आपको एक सेफ्टी ग्लासेस पहनने हैं और आपको एक मास्क जरूर लगाना है। क्यों? क्योंकि ये इतना फाइन प्लास्टिक होता है कि आप इसको बहुत जल्दी इनहेल करते हैं और ये आपकी आईज में भी चला जाता है और आपको पता ही नहीं लगता। इसीलिए आपको टू मेजरमेंट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, सेफ्टी ग्लासेस एंड सेफ्टी मास्क। और इस प्रोडक्ट को, इस एक्सटेंशन को आप यूज ना करें जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है और जिनको कोई भी फ्रेग्रेंस से इश्यू है, क्योंकि इस प्रोडक्ट की स्मेल, स्पेशली दिस मोनोमर, इसकी स्मेल बहुत ज्यादा पंजेंट होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है कि आपकी बॉडी उसको बियर कर ही नहीं सकती। आप एक्रेलिक एक्सटेंशंस को मेरे अकॉर्डिंग प्रेफर ना करें। नंबर थर्ड चीज जो हमें चाहिए है वो है हमारा ब्रश। इस ब्रश को हम बोलते हैं कॉलिंस्की ब्रश। कॉलिंस्की एक एनिमल है जिसके बालों से ये ब्रश बनाया जाता है जिससे हम एक्रेलिक एक्सटेंशंस को करते हैं। नंबर फोर्थ जो हमें चाहिए होता है वो है हमारा डैपिन डिश। डैपिन डिश विथ लिड। ये लिड का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो जो मोनोमर मैं इसके अंदर डालूंगी वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, वो बहुत जल्दी उड़ जाएगा। नंबर फिफ्थ अगेन बफर। तो ये है मेरे प्रोडक्ट्स जो मुझे चाहिए होते हैं एक्रेलिक एक्सटेंशंस करने के लिए। नंबर वन इज एक्रेलिक पाउडर, नंबर सेकेंड इज मोनोमर, नंबर थर्ड इज कॉलिंस्की ब्रश, नंबर फोर्थ इज डैपिन डिश विद लिड, नंबर फिफ्थ इज बफर। नाउ आगे बढ़ने से पहले आई वॉन्ट टू टेल यू सम वेरी वेरी बिग डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस नील एक्सटेंशंस। नाउ देर आर सम सेफ्टी मेजर्स दैट यू हैव टू फॉलो फॉर डूइंग दिस एक्रेलिक नेल एक्सटेंशंस। सबसे पहले तो वेल वेंटिलेटेड रूम। ऐसा मैंने क्यों लिखा? अगर आप एक्रेलिक के साथ काम कर रहे हो तो रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, बिग विंडोज होने चाहिए और प्रॉपर एग्जॉस्ट सिस्टम होना चाहिए। आपको फैन को यूज नहीं करना,
क्योंकि फैन यूज करने से, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक्रेलिक इज नन अदर देन अ वेरी फाइन पार्टिकल ऑफ प्लास्टिक। एक्रेलिक एक प्लास्टिक है, अगर आप उसे फैन चलाएंगे तो ये उड़ेगा और आप इसको ब्रीथ इन कर सकते हैं, आप इसे आपकी आईज में एंटर हो सकता है एंड यू नेवर नो कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आपकी बॉडी में। इसीलिए आपको इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन हो। नंबर सेकेंड थिंग, प्रॉपर मास्क एंड सेफ्टी ग्लासेस। अगेन, व्हाई आई एम सेइंग यू टू वियर द मास्क एंड सेफ्टी ग्लासेस, बिकॉज एक्रेलिक इज प्लास्टिक एंड यू कैन ब्रीद इन एंड ये आपकी आईज में जा सकता है, तो आपको सेफ्टी मेजर्स के लिए ग्लासेस एंड मास्क की नीड है। नंबर थर्ड, नॉट फॉर प्रेग्नेंट लेडीज। अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी आपके पास आती है और बोलती है कि आप मेरे एक्रेलिक नेल एक्सटेंशंस कर दो, तो आप बिग नो बोल दो, क्योंकि इसकी स्मेल इतनी ज्यादा पंजेंट है कि उनके बेबीज को बहुत हार्म कर सकती है। नंबर फोर्थ थिंग इज, जब भी आप एक्सटेंशन करो तो मेक श्योर कि उस रूम में एक्रेलिक एक्सटेंशंस करते टाइम देयर शुड बी नो किड, क्योंकि किड्स की बॉडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी इसकी स्मेल से परेशान हो सकते हैं। नंबर फिफ्थ इज, अगर आपको कोई भी माइग्रेन का इशू है या कोई भी फ्रेग्रेंस का इशू है, या अस्थमेटिक पेशेंट हैं आप, आई प्रेफर डू नॉट यूज एक्रेलिक नेल एक्सटेंशंस, स्ट्रेट फॉरवर्ड नो, क्योंकि अगर आप बहुत देर तक इस एक्सटेंशंस के साथ काम करेंगे तो इसकी स्मेल आपको माइग्रेन दे सकती है, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत ज्यादा पंजेंट होती है, तो आपको अस्थमा का अटैक हो सकता है, नहीं तो आपको बहुत स्ट्रांग हेडेक हो सकता है। ओके, एंड यस, आपको अपने साथ साथ अपने क्लाइंट को भी बोलना है कि आप प्रॉपर मास्क पहनिए, आप ग्लासेस पहनिए और आप अपने बेबीज को साथ ना लेके आए। इसीलिए इट इज माय हाईली रिकमेंडेशन टू यू, प्लीज डू नॉट यूज एक्रेलिक नेल एक्सटेंशंस एट ऑल, बिकॉज हमारी हेल्थ से बढ़ के कुछ नहीं होता। जेल नेल एक्सटेंशंस आर द सेफेस्ट एक्सटेंशंस टू यूज। जेल एक्सटेंशंस बहुत सेफ होती हैं क्योंकि वो स्मेललेस होती हैं, कोई फ्रेग्रेंस नहीं होता उसका और वो आपकी बॉडी को हार्म भी नहीं करती। तो ऐसी कोई चीज करनी ही क्यों जिसका इतना ज्यादा हार्म हो। इसीलिए से नो टू एक्रेलिक नेल एक्सटेंशंस। जेल नेल एक्सटेंशंस आपको थोड़ी महंगी जरूर लगेंगी, इसका प्रोडक्ट भी आपको महंगा लगेगा, लेकिन आपके लिए हेल्थ इज द अटमोस्ट प्रायोरिटी। हेल्थ सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। इज दैट क्लियर टू यू? एंड यस, जो इसके अंदर मोनोमर डलता है उसकी स्मेल भी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, और मोनोमर के बिना एक्रेलिक पाउडर का कोई काम ही नहीं है। और जो हार्ड मोनोमर और सॉफ्ट मोनोमर मैंने आपको बताया, हार्ड मोनोमर की स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, भले ही एक्रेलिक की लाइफ लॉन्ग हो, लेकिन इन सब को देखते हुए यू शुड नॉट यूज एक्रेलिक नेल एक्सटेंशंस एट ऑल। लेकिन हाँ, एक अच्छा नेल टेक होने के लिए आपको इसकी नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको स्क्रीन पे साथ साथ प्रोडक्ट्स भी दिखा रही हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सटेंशंस।